वायरस करीब 80 देशों में फैलने के बाद अब भारत में पैर पसार चुका है। अब तक भारत में 29 लोग संक्रमित हो चुके हैं, हालांकि इनमें से 3 लोगों को ठीक किया जा चुका है। वहीं चीन में भी कोरोना पर काबू पाने के लिए लगातार काम जारी है। इसी बीच चीन ने कोरोना से निपटने के लिए खास वैक्सीन बनाया है। इस वैक्सीन को चीन की सेना ने तैयार किया है। वुहान में इस वैक्सीन को बनाने के लिए पिछले 1 महीने से कोशिश की जा रही थी। चीन आर्मी ने ये वैक्सीन मेडिकल विशेषज्ञ शेन वे के नेतृत्व में तैयार किया है। शेन वे ने अपनी इस कामयाबी पर कहा कि इस वैक्सीन से दुनिया को कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। जिस टीम ने इस वैक्सीन को बनाया है, उन्होंने 2002 में सॉर्स फैलने के दौरान और 2014 में इबोला वायरस के खतरे से बचाने में अहम भूमिका निभाई है। शेन ने लोगों को ये भी बताया कि जल्द ही वैक्सीन लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा, हालांकि इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कोशिश में लगे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जनवरी में दावा किया था कि कुछ महीनों में ये वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन 1 महीने की कड़ी मेहनत के दौरान ही ये कामयाबी मिल गई। ये बेशक हमारे लिए बेहद राहत की बात है। हमें पूरा भरोसा है कि अब हम जल्द से जल्द कोरोना से अपनी जंग जीत लेंगे। इस वैक्सीन की खबर मिलने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी खुशी जताने से नहीं चूक रहे हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.